customer this year is the Honda WRV 2020, those are 20 ke liye naya version. Naya to nahi lekin updated version zarur hai. Iske andar kya update hai? Major update jo hai wo hai bonnet ke andar. वो है नया BS6 पेट्रोल और डीजल इंजन. आज डीजल है हमारे पास तो हम डीजल की ही बात करेंगे. अगर बात करें हम लुक्स की तो आप ये देख ही सकते हैं कि इसका जो फ्रेश एंड अप फेस है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लगता है. ये आपको नए लैंप्स मिलते हैं, प्रोजेक्टर हेड लैंप्स हैं इस टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में, और साथ ही साथ जो बम्पर है ये भी ज़्यादा स्कल्प्टेड है, ज़्यादा मस्कुलर है पहले से. ग्रिल भी है जो उसमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स दे दिए हैं. और अगर हम बात करें इसके लुक्स की तो लुक के लिहाज से काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और अर्बेन गाड़ी लगती है ये. कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर मार्केट में अगर आप हैं एक गाड़ी लेने के लिए तो क्या आपको इस गाड़ी को शॉर्टलिस्ट में रखना चाहिए, इस बड़े सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा आज. और स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अब तक कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीने पहले तक जो ये गाड़ी थी इसके अंदर सनरूफ आता था और ये सबसे सस्ती गाड़ी थी भारतीय बाज़ार में सनरूफ के साथ वाली. अब सनरूफ ऑफकोर्स होंडा जैज़ में भी आने लग गया है जो कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा सस्ती है. एनीवेज ये छोटा सा पॉइंट मैंने सोचा आपको बता दूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले. अब चलते हैं और गाड़ी चला के बताते हैं क्योंकि मेन चेंज तो इंजन का ही है. उसके बाद आपको दिखाएंगे इंटीरियर्स और बताएंगे आपको फाइनली व्हेदर यू शुड कीप दिस कार इन योर शॉर्ट. चला रहा हूँ अब होंडा की WRV और इस गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक पेट्रोल और एक डीजल. आज हम चला रहे हैं पेट्रोल, नहीं नहीं आज हम चला रहे हैं डीजल जैसे मैंने आपको पहले बताया था. और डीजल इंजन है 99 BHP का इंजन जो कि काफ़ी अच्छा है पावर के लिहाज से इतनी छोटी गाड़ी में. लेकिन इसकी जो एक अच्छी बात और है वो ये है कि रिस्पॉन्सिवनेस में भी होंडा ने पहले से ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है. अब ये रिस्पॉन्सिव हो जाता है करीब 1500-1600 RPM के आसपास से, पहले 1800-1900 RPM पे होता था. और ये अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो गाड़ी ज़्यादातर शहर में चलाते हैं और खुद चलाते हैं क्योंकि ये गाड़ी चलाने के लिहाज से अब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो गई है. 6-speed का आपको मैनुअल गेयर बॉक्स मिलता है जो कि काफ़ी स्लिक है. थ्रोज इसके काफ़ी एक्यूरेट हैं और हल्के थ्रोज हैं. गेट जो इसका है वो काफ़ी नैरो गेट है, यानी कि ऐसे ऐसे आप करेंगे तो गेयर आराम से चल जाएंगे, आपको बार बार लंबा हाथ नहीं यूज़ करना पड़ेगा गेयर शिफ्ट करने के लिहाज से. एक और बात जो इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है वो ये है कि जो इसका राइड कंफर्ट है, हालांकि ये तो छोटी गाड़ी है तो राइड कंफर्ट छोटी गाड़ियों में और कॉम्पैक्ट गाड़ियों में इतना बेहतरीन नहीं होता, लेकिन जो इस गाड़ी का राइड कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा झटके आपको नहीं लगेंगे. और देखिए कुछ झटके तो अंदर आएंगे, जो शार्प क्रेविसेस होते हैं और जो बैडली पैस्टअप रोड्स होते हैं वो तो अंदर आएंगे ही आएंगे, लेकिन सारे झटके आपको नहीं लगेंगे. और हाईवे पर भी स्टेबिलिटी ठीक ठाक है, जब आप इसको स्पीड लिमिट में चलाएंगे 80-90 की तो स्टेबिलिटी के लिहाज से भी गाड़ी ठीक है. एक चीज़ जो होंडा ने इम्प्रूव करी है पहले से वो है इसका ओवरऑल इंजन का रिफाइनमेंट. अब ये शोर होता था नहीं मचाता था, पहला वाला मचाता था, लेकिन फिर भी अपने राइवल्स के लिहाज से जैसे कि होंडा की वेन्यू है या फिर है फोर्ड की एको स्पोर्ट, उनके सामने अभी भी ये रिफाइनमेंट के मामले में थोड़ा पीछे है डीजल इंजन इस गाड़ी का. तो उस लिहाज से होंडा को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और करनी पड़ेगी और करनी चाहिए इसको रिफाइन बनाने के लिए, क्योंकि जो अब सेगमेंट की बाकी गाड़ियां हैं उनकी रिफाइनमेंट एक लेवल और ऊपर चली गई है. खासतौर पर जब इस गाड़ी को आप लेकर निकलेंगे हाईवे पर और इस गाड़ी को चलाएंगे छठे गियर में और ये होगी 1700-1800 RPM के आसपास, 1900 RPM के आसपास, और आप होंगे 90-100 की स्पीड पर, तब भी ये गाड़ी थोड़ा शोर ज़्यादा करेगी अपने राइवल्स के मुकाबले. तो उस टाइम पर आपको लगेगा कि रिफाइनमेंट ज़्यादा बेहतरीन होनी चाहिए. अपने आप में इट्स अ बिग इंप्रूवमेंट ऑफ द लास्ट कार, बट स्टिल देयर इज अ लिटिल बिट मोर दैट होंडा कुड हैव डन इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग द रिफाइनमेंट एंड द कैबिन आइसोलेशन ऑफ द WRV. अगर बात करें इंजन की परफॉर्मेंस की तो पावर डिलीवरी के लिहाज से काफ़ी अच्छा इंजन है और मिड रेंज जो इस इंजन की है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि करीब 1700-1800 RPM से लेकर 3600 RPM तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पावर देती है ये गाड़ी. और अगर आप गेयरबॉक्स को ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, पावर के मामले में कोई कमी नहीं लगेगी आपको. एक और चीज़ जो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी वो है इसका स्टेयरिंग व्हील. स्टेयरिंग व्हील में जो वज़न है वो बहुत अच्छे से डाल रखा है होंडा ने, ना ही बहुत हल्का है ना ही बहुत भारी है. ऐसा भी नहीं है कि आप इसे दिन भर चलाएंगे और आप थक जाएंगे, और ना ही ये इतना हल्का है कि आप नर्वस फील करेंगे 100-110 की स्पीड पर हाईवे पर. तो इसका राइट अमाउंट ऑफ वेट इन इट. और शेयर के लिहाज से एक और चीज़ जो अच्छी लगेगी आपको वो ये है कि इसकी विजिबिलिटी ऑल अक्रॉस बहुत अच्छी है. यहाँ पे क्वार्टर ग्लास विंडो दे रखी है होंडा ने जिससे आप आजू बाजू आराम से देख सकते हैं. पीछे का शीशा बहुत बड़ा है, इस वाले शीशे से बहुत सा व्यू मिलता है. और साथ ही साथ जो कि इसके साइड व्यू मिरर्स हैं ये भी बड़े साइज़ और शेप के हैं, तो आपको दूर तक और पीछे तक अच्छे से सब कुछ दिखेगा. तो उस चीज़ में भी आपको कोई कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी. तो ओवरऑल जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात ये है कि द डीजल इंजन ऑफ द WRV इज़ अ नाइस पैकेज. इट्स ओनली स्लाइटली बेटर अगर रिफाइनमेंट होती तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता, तो इसलिए आप रिफाइनमेंट को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी के मामले में बहुत ही बेहतरीन इंजन है. जैसे मैंने कहा 20-21 की माइलेज आपको रेगुलर देगी ये शहर में, और हाईवे पर तो 24 तक की निकाल देगी विदाउट एनी प्रॉब्लम व्हाट्सएवर. ड्राइविंग डिपार्टमेंट में मैं दूंगा इसको अच्छा स्कोर 88 का 100 में से.
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस गाड़ी में आपको सनरूफ मिलता है, दिस वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट कार्स, मोस्ट अफोर्डेबल कार्स रादर, जिसके अंदर आपको सनरूफ मिलता है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है इस गाड़ी का। अगर हम बात करें इसके कैबिन की, तो ये काफ़ी डार्क है सब कुछ, यहाँ पे अब ब्लैक में आता है, पहले हल्का फुल्का फ़र्क था लेकिन अब बिल्कुल ब्लैक हो गया है। और इसका जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है ये चेंज नहीं हुआ है, वही डिज़ाइन मिलता है जो होंडा जैज में आता है और जो पिछली वाली सिटी थी, जो पुरानी सिटी थी उसमें आता था। तो आपको अभी भी यहाँ पर टच पैनल मिलता है एसी वेंट्स के लिए, एसी कंट्रोल्स के लिए। और अच्छी बात यह है कि जो बीच का पार्ट है ये हल्का सा ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है, हल्का सा ड्राइवर की तरफ घुमा रखा है। इससे आप जब हाईवे पर होंगे और आपको आँखें नहीं उतारनी रोड से, तब आपको पता रहेगा, क्योंकि कंट्रोल्स आपकी तरफ को रहेंगे तो आपको पता रहेगा, ज़्यादा आपको मेहनत और मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ओवरऑल क्वालिटी के मामले में ये इट इज़ एट पार विद इट्स राइवल्स। और राइवल्स की अगर मैं बात करूँ तो मारुति की विटारा ब्रेज़ा, साथ ही साथ टाटा की नेक्सॉन और फोर्ड की एक्सपोर्ट के ही टक्कर का है इसका ओवरऑल डिज़ाइन और ओवरऑल इसकी क्वालिटी। हाँ, लेकिन जो वेन्यू है और जो सोनेट है वो इससे आधा या एक कदम आगे है ओवरऑल क्वालिटी के लिहाज से। तो उस लिहाज से ये गाड़ी हल्की सी पीछे है उनसे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि डील ब्रेकर बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम बात करें फीचर्स की, तो आपको इसमें मिलता है क्रूज कंट्रोल, साथ ही साथ आपको मिलते हैं मल्टीपल एयरबैग्स, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं दो चार्जिंग पॉइंट्स, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिलता है, यूएसबी मिलते हैं दो और एक चार्जिंग पॉइंट, और साथ ही साथ दो बड़े खांचे अपनी बेवरेज रखने के लिए, उसके आगे एक खांचा जहाँ पे आप अपने सेलफोन या वॉलेट या चश्मे रख सकते हैं। मैं इतना यहाँ पर सिक्के रखने की जगह है, थोड़ी सी यहाँ पर भी सिक्के रखने की जगह है, और जो बॉक्स है इसके अंदर भी आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिलता है, और यहाँ पे आप 4 या 5 डाइट कोक के कैन रख सकते हैं। कूल नहीं है ये, ठंडा नहीं कर सकते इसको आप, लेकिन हाँ स्पेस रखने की जगह है। और जो ग्लव बॉक्स है वो भी डिसेंट है इन शेप एंड साइज़। और अगर बात करें दरवाज़ों की, तो उसमें भी आप बड़े अपने डोबिन्स के अंदर बॉल्ट्स को रख सकते हैं, लेकिन बॉल्ट रखने की सबसे अच्छी जगह अभी भी है यहाँ पर एसी वेंट के सामने, क्योंकि यहाँ पर भी होंडा ने एक बहुत बड़ा आपको बॉटल होल दे रखा है, और ये बहुत ही शानदार जगह है रखने की। अगर आप लंबे सफ़र पर निकलते हैं, खासतौर पर जो अभी माहौल चल रहा है, जो कोरोना का माहौल चल रहा है, अगर आप चाहते नहीं कि हाईवे पर रुकें, अगर आप जा रहे हैं मान लीजिए दिल्ली से धर्मशाला या दिल्ली से शिमला, लंबे सफ़र पे 8-10-11 घंटे के सफ़र पे, और आपको रुकना नहीं है खाने पीने के सामान लेने के लिए, तो यहाँ पर आप जब बॉटल रखेंगे तो लंबे सफ़र में भी ठंडी रहेगी। तो इट्स अ वेरी थॉटफुल टच, अ वेरी गुड टच। ओवरऑल इट्स अ नाइस प्लेस टू बी इन। सपोर्ट फॉर योर अंडर थाइज इज गुड, सपोर्ट फॉर योर लोअर बैक इज गुड, सीट कंफर्ट के मामले में ठीक ठाक है, कुछ नहीं थोड़ी बेहतर हो सकती थी बट फिर भी बुरी नहीं है। और अगर मुझे देना हो इस गाड़ी को ओवरऑल स्कोर, तो फ्रंट सीट के डिपार्टमेंट में मैं दूंगा इसको 10 में से 8 का स्कोर। इट्स रिस्पेक्टेबल स्कोर एंड इट्स रिस्पेक्टेबल प्लेस टू बी इन। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं पीछे इसमें कितना दम। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ पीछे की सीट में अब WRV की। और हेडरूम के लिहाज से गाड़ी ठीक ठाक है, न्यू रूम लेकिन काफ़ी अच्छा है, स्पेस काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी में। बाहर से भले ही छोटी लगती है, लेकिन अंदर होंडा ने काफ़ी स्पेस निकाल दिया। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, और आगे की सीट मैंने अपनी हाइट और ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से सेट कर रखी है, तो उस हिसाब से स्पेस काफ़ी अच्छा है। सीट भी काफ़ी अच्छी हैं कम्फर्ट के लिहाज से, और आपको बैठ के इनमें मज़ा आएगा। अगर हम बात करें कुशनिंग की, तो कुशनिंग अंडर थाइज़ के लिए अच्छी है और बैक के लिए सपोर्ट अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एसी वेंट्स अभी भी नहीं आते हैं, काफ़ी सारे राइवल्स में मान लग गए हैं, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है। पीछे चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, ना ही यूएसबी है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। एक और बात, शीशे भी इसके पूरी तरह नीचे नहीं जाते हैं, तो अगर आप ऐसे रख के बैठने के शौकीन हैं पहाड़ों की तरफ, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे स्पेस इतना सारा है और सीट्स अपने आप में काफ़ी मुलायम और गद्देदार है, ये सब चीज़ आप माफ़ कर सकते हैं। बैक सीट डिपार्टमेंट में देंगे इस गाड़ी को एक अच्छा स्कोर, 8.5 का 10 में से। हाँ जी, अगर हम बूट की बात करें WRV की, तो बूट के लिहाज से गाड़ी काफ़ी रिस्पेक्टेबल है, अपने शेप और साइज़ के लिहाज से काफ़ी अच्छा बूट है, एंड एट पावर सर्वाइवल्स है, ऐसा नहीं कि बहुत पीछे है बहुत आगे है उनसे, तो इट्स एट हाँ थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग सेल ज़रूर है, लेकिन इसको आप माफ़ कर सकते हैं क्योंकि बूट अपने आप में काफ़ी अच्छा है। और अगर मुझे स्कोर देना होगा बूट को, तो मैं दूंगा इसको एक अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर, 8 में से 10 का या फिर 10 में से 8 का। और आज हम सासू माँ वाला जोक नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर वो जोक मैं ज़्यादा मारता हूँ तो फिर घर में आलू के पराठे नहीं मिलते नाश्ते में। एनीवेज, ओवरऑल रिस्पेक्टेबल बूट ऑन द WRV। अगर हम बात करते हैं ऑन द WRV की ओवरऑल, तो ये गाड़ी कुछ बायर्स के रेडर के नीचे से निकल जाती है, और वो इसलिए क्योंकि जो इसके लुक्स हैं बाहर से, वो इतना शायद शो ही नहीं है जैसे कि कुछ राइवल्स के हैं इसके। और ये रीज़न है कि कुछ लोग इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं कर पाते हैं या सोचना ही भूल जाते हैं इस गाड़ी के बारे में कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर की श्रेणी में। लेकिन अपने आप में एज अ सॉलिडली इंजीनियर्ड कार, एज अ कार व्हिच इज़ नाइस टू ड्राइव, एज अ कार व्हिच इज़ वेरी स्पेशियस, एंड ऑल्सो एज अ कार व्हिच इज़ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकेज है। और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ चलते हैं, क्योंकि स्पेस के लिहाज से काफ़ी अच्छी गाड़ी है, उन लोगों के लिए
ये बहुत ही एक ऑल राउंड पैकेज है मेरे लिहाज से, आपको डेफिनेटली इसे शॉर्टलिस्ट में रखना चाहिए अगर आप मार्केट में कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर करना।